तो बच्चों अब हम पाठ 20 जो वाक्य है इसका दोहरान करने जा रहे हैं और जो सार्थक शब्दों का जो एक समूह होता है जो व्यवस्थित क्रम में होता है तो वो ही वाक्य कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि जयपुर है राजस्थान नगरी कहलाती गुलाबी। तो यहाँ पर अव्यवस्थित हैं जो पद हैं, जो वाक्य दिए गए हैं, जो सार्थक शब्द हैं वो अव्यवस्थित हैं, व्यवस्थित क्रम में नहीं हैं। जब उन्हें व्यवस्थित क्रम में लिखा गया तो जयपुर राजस्थान की गुलाबी नगरी कहलाती है। तो ये व्यवस्थित क्रम में जो सार्थक शब्द हैं तभी हमारा क्या बना, वाक्य बना। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में कि वाक्य की परिभाषा क्या है। तो वाक्य की परिभाषा है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित यानी कि जो क्रम से लिखा हुआ है, जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। अब हम जानेंगे वाक्य की परिभाषा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। अब हम जानेंगे वाक्य के अंक कितने होते हैं। तो बच्चों वाक्य के अंक होते हैं दो, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब हमारे पास यहाँ पर तीन वाक्य हैं। पहला वाक्य है अध्यापक पढ़ाते हैं, तो उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय क्या होते हैं पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। तो उद्देश्य क्या है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति करता होता है, जो व्यक्ति कार्य करता है उसी को हम उद्देश्य कहते हैं, उसे सूचित करने वाले शब्द ही उद्देश्य कहलाते हैं। और विधेय क्या होते हैं, विधेय वो होते हैं कि वाक्य में जो उद्देश्य होता है, जो काम करने वाला होता है उसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो ही हमारे क्या होते हैं, विधेय होते हैं। अब हम यहाँ पर छांटेंगे कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो यहाँ पर देखिए अध्यापक उद्देश्य है बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर करने वाला कौन है, अध्यापक, ये हमारा उद्देश्य होगा। और विधेय होगा पढ़ाते हैं, ये है हमारा विधेय, क्योंकि जो उद्देश्य है, जो करने वाला है वो क्या कर रहा है, तो पढ़ाते हैं, यहाँ पर वो विधेय हो गया, वो ही विधेय कहलाता है। अब दूसरा है कि गौरव सब्जी मंडी गया। गौरव काम करने वाला कौन है, गौरव, गौरव करता है, तो ये हमारा क्या होगा, उद्देश्य होगा, ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और ये क्या कर रहा है, जो करता है वो क्या काम कर रहा है, सब्जी मंडी गया। तो बच्चों यहाँ पर ये सब्जी मंडी गया जो उद्देश्य है वो ये काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया। अब जो हमारा तीसरा उदाहरण है, महेंद्र ने रामायण पढ़ी। अब यहाँ पर जो करता है वो उद्देश्य है, अब करने वाला कौन है, रामायण पढ़ने वाला कौन है, महेंद्र, और ने जरूर आएगा क्योंकि ये उसकी विभक्ति चिन्ह है, तो महेंद्र ने हमारा क्या हो गया बच्चों, उद्देश्य हो गया। और इसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, रामायण पढ़ी जा रही है, तो ये क्या हो गया बच्चों, विधेय हो गया। तो इसी तरह से ये वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और जब इनका विस्तार होता है तो जब कर्ता के लिए, उद्देश्य के लिए कुछ और पद या शब्द लिए जाते हैं वो उद्देश्य का विधेय, उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। और जब भी विधेय के बारे में कुछ और पद शब्द होते हैं वो विधेय का विस्तार कहलाता है। तो बच्चों हिंदी व्याकरण में दो आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं वाक्य के, वो कौन कौन से हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सबसे पहले जानेंगे कि सरल वाक्य के बारे में कि सरल वाक्य क्या होते हैं, और इसके मैंने यहाँ पर दो उदाहरण लिए हैं। तो हम पहले जानेंगे इसकी परिभाषा कि वाक्यों में एक ही पूर्ण क्रिया होती है, किसमें, सरल वाक्य में। इसमें उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं और जो इसमें विधेय होता है वो एक ही होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है। अब यहाँ पर पूर्ण क्रिया कैसे होगी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, तो टिमटिमा रहे हैं ये पूर्ण क्रिया है, यहाँ पर कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है। अब जो दूसरा वाक्य है वो है हमारा, हमारे विद्यालय पहुंचते ही घंटी बज गई, तो जो बज गई वो अपने आप में पूर्ण क्रिया है।
तो इसी तरह से बच्चों ये क्या होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। अब हम जानेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त का अर्थ होता है बच्चों जोड़ना। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी योजक शब्दों से अव्यस्त के द्वारा जुड़े होते हैं वो ही संयुक्त वाक्य होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने पहले अभिकारी अव्यय शब्द पढ़े हैं जिसमें समुच्चय बोधक शब्द होते हैं और, किंतु, परंतु, इसलिए। तो इसी तरह के जो योजक शब्द होते हैं उन्हीं से दो सरल उपवाक्य या दो सरल वाक्यों को हम उनके द्वारा जोड़ते हैं वो ही हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, दीनानाथ जी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में गए और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं जो हमारा योजक शब्द है और, इससे वो दो वाक्य जुड़ गए हैं। दीनानाथ जी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में गए, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। दूसरा है उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। तो हमने इन दोनों वाक्यों को कौन से समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा, वो है हमारा और। तो ये कौन सा वाक्य कहलाया बच्चों, संयुक्त वाक्य। तो बच्चों इसका एक और वाक्य हम पाठ्य पुस्तक से ही देख लेते हैं। बच्चे सर्कस में जोकर के करतब देखना चाहते थे परंतु जोकर ने कोई करतब नहीं दिखाया। तो यहाँ पर परंतु जो योजक शब्द है उससे इसको जोड़ दिया गया, तो वो भी क्या बना, संयुक्त वाक्य बना। अब हम जानेंगे मिश्रित वाक्य के बारे में कि मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, जो मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में कि मिश्रित वाक्य होते क्या हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष सभी उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित उपवाक्य कहते हैं या मिश्रित वाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्यों में अर्थ मुख्य उपवाक्य को जानकर ही स्पष्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने दो उदाहरण लिए हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण है जैसे जैसे अंधेरा घना हो रहा था हमें डर लगने लगा था। तो ये जो वाक्य है वो एक दूसरे पर निर्भर है, जबकि जैसे जैसे अंधेरा घना हो रहा था तो क्या हो रहा था, हमें डर लगने लगा था। तो इसी तरह से ये एक दूसरे पर आश्रित है, ये जो वाक्य है वो एक दूसरे पर निर्भर है। अगर मैं कहती हूँ हमें डर लगने लगा था, कब लगने लगा था, कि जैसे जैसे अंधेरा घना हो रहा था, इसीलिए ये क्या है, मिश्रित वाक्य है। अब दूसरा उदाहरण है यह वही बकरी है जो हमारे बाग में घुस आई थी। तो इसमें भी जो वाक्य है कि यह वही बकरी है जो हमारे बाग में घुस जाती है, ये जो दो वाक्य हैं वह एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसीलिए ये क्या है, मिश्रित वाक्य है। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों 8 भेद होते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में ये सारे भेद दिए गए हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक वाक्य। तो बच्चों मैं 4 भेद लिए हैं, कौन कौन से भेद हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक और चौथा है प्रश्नवाचक। मैंने यहाँ पे बच्चों सबका एक एक उदाहरण भी लिया है। तो पहले हम जानेंगे कि विधानवाचक क्या होते हैं। विधानवाचक वो होते हैं जब किसी वाक्य में काम करने या होने का सामान्य रूप का बोध होता है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, विधानवाचक वाक्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर है घोड़ा तेज दौड़ता है, ये बिल्कुल सरल साधारण वाक्य है, तो वो क्या हो गया, उसमें क्रिया हो रही है, तो विधानवाचक वाक्य हो गया। अब दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, ये क्या होते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि वाक्यों में कार्य के न होने का पता चलता है। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है घोड़ा तेज नहीं दौड़ता, जो इसमें क्या हो रही है, क्रिया न होने का बोध हो रहा है, क्रिया न होने का पता चल रहा है, तो वो कौन सा हो गया, निषेधवाचक वाक्य। इसका जो अगला है वो है आज्ञावाचक वाक्य, इसका मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है। पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे कि आज्ञावाचक में क्या होता है। तो आज्ञावाचक में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना और उपदेश का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है घोड़े को तेज दौड़ाओ, इसमें आज्ञा दी गई है तो घोड़े को तेज दौड़ाओ, तो वो कौन सा वाचक वाक्य हो गया, आज्ञावाचक वाक्य। इसका जो अगला है वो है प्रश्नवाचक वाक्य, पहले हम इसमें जानेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या है। इसमें जब प्रश्न पूछने का बोध होता है वाक्य में, तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है, वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसका उदाहरण है क्या घोड़ा
तेज दौड़ता है, यहाँ पर प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया हुआ है। तो क्या घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य से हमें प्रश्न के होने का बोध हो रहा है। कौन सा वाक्य हुआ? प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर जो हमारा अगला वाक्य का भेद है वो है इच्छावाचक वाक्य। उसका हमने यहाँ पर उदाहरण ले रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इच्छावाचक वाक्य होते क्या हैं। तो इसमें जो इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामनाओं का बोध होता है उस जिस वाक्य में, वो ही क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। काश घोड़ा तेज दौड़े, यहाँ पर इच्छा है कि वो जो घोड़ा है वो तेज दौड़े। अगला जो वाक्य का भेद है वो है संदेहवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें संदेह होता है। किसी भी कार्य में जब, किसी भी वाक्य में जब संदेह प्रदर्शित होता है, जैसे कि इसकी परिभाषा है कि जो वाक्य किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट करता है, वो ही हमारे क्या होते हैं? संदेहवाचक वाक्य होते हैं। यहाँ पर उदाहरण है शायद घोड़ा तेज दौड़े। यहाँ पर जो घोड़ा तेज दौड़ने के लिए संदेह जताया जा रहा है, तो जो ये शायद शब्द है वो हमें इस वाक्य में संदेह जता रहा है कि शायद घोड़ा तेज दौड़े। अगला जो वाक्य है वो है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का भी हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जब वहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जिन वाक्यों में किसी एक बात या कार्य का होना किसी दूसरी बात या कार्य पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होती है तभी वहाँ पर क्या होते हैं? संकेतवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के द्वारा अब हम समझेंगे। यदि वर्षा नहीं हुई तो वे मेला देखने जाएंगे। ये एक क्रिया जो है नहीं हुई तो मेला देखने जाएंगे, दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो वो कौन से वाक्य होते हैं? संकेतवाचक वाक्य होते हैं। इसका जो अंतिम जो वाक्य का भेद है वो है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। अब हम जानेंगे विस्मयवाचक वाक्य के बारे में। घृणा आदि होते हैं वो ही विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है, हाय यह घोड़ा तेज दौड़ पड़ा। इस जब भी विस्मयवाचक वाक्य होते हैं तो ये विस्मयवाचक चिन्ह अवश्य होता है, और इसके जो शब्द होते हैं वो जैसे हाय, अरे, वाह, ये सारे जो शब्द होते हैं वो विस्मयवाचक शब्द होते हैं और ये विस्मयवाचक चिन्ह होता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि वाक्य के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे पदबंध क्या होते हैं और पदबंध के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि पदबंध क्या होते हैं। पदबंध का अर्थ होता है पदों का बंधन। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। ये शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। अब देखते हैं पद के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों पद के 5 भेद होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। तो देखिए संज्ञा, संज्ञा के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ ही रखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया आप जानते हैं किसी कार्य का करना या होना जिन शब्दों से पता चलता है वो क्या होता है? क्रिया पदबंध होते हैं। अव्यय आप जानते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये सब अव्यय होते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने उदाहरण लिए हैं, जैसे कि ये पहला उदाहरण है शेर दहाड़ रहा है। शेर यहाँ पर बच्चों संज्ञा है, तो शेर दहाड़ रहा है संज्ञा पदबंध है। अब मैं शेर के बारे में और कुछ शब्द लूँ, पद लूँ, तो वो संज्ञा पदबंध होगा, जैसे भूख से व्याकुल शेर। अब शेर के लिए मैंने ये पद लिए हैं भूख से व्याकुल, तो ये संज्ञा से संबंधित पदबंध हो गए हैं। अब हमारा जो दूसरा उदाहरण है अगला, इसी का मैंने लिया है कि पिंजरे में बंद भूख से व्याकुल शेर दहाड़ रहा है। अब मैंने जो मेरे पास जो संज्ञा शब्द जो था शेर, इसके लिए मैंने और पद लिए हैं, वो कौन कौन से हैं? पिंजरे में बंद भूख से व्याकुल शेर। तो शेर के लिए मैंने और शब्द भी ले लिए। अब मैं अगर इस वाक्य को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहूं, इसके संज्ञा के जो संज्ञा पदबंध और भी बढ़ा दूं, तो पिंजरे में बंद है तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ कि चिड़िया घर के पिंजरे में। तो चिड़िया घर के
तो मैंने दो पदबंध और ले लिए, दो पद और ले लिए, तो जो संज्ञा शब्द है उसके लिए मैंने और पद बढ़ा दिए हैं, तो वो ही संज्ञा पदबंध होगा। अब उसी तरह से सर्वनाम से संबंधित भी हम ले सकते हैं, इसी तरह से विशेषण से संबंधित भी ले सकते हैं, उसी तरह से क्रिया से संबंधित ले सकते हैं। अव्यय शब्द के लिए भी हम पद जो बढ़ाएंगे वो ही हमारे क्या होंगे, पदबंध होंगे। बच्चों अब हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिखना है। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है बच्चों, मैंने गृह कार्य कर लिया, तो यहाँ पर मैंने जो है वो करता है तो वो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और गृह कार्य कर लिया ये क्या है, विधेय है। तो ये वाक्य के दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो हम देख लेते हैं कि सब जोकर के करतब देखकर हंसे, तो सब यहाँ पर उद्देश्य होगा और जोकर के करतब देखकर हंसे वो सब पूरा क्या होगा, विधेय होगा। इसका जो प्रश्न नंबर 5 है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक इसका उदाहरण लिया है, प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों अभी हमने वाक्य के 8 भेदों का अध्ययन किया था, तो उसमें वाक्यों के भेद बताने हैं कि अर्थ के आधार पर जो ये वाक्य दिए हैं वो कौन सा भेद है, तो वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि शायद इंद्रजीत कक्षा में प्रथम आए, तो यहाँ पर संदेह जताया जा रहा है इस वाक्य में, क्या आ रहा है, संदेह आ रहा है कि शक हो रहा है कि क्या वो शायद इंद्रजीत कक्षा में प्रथम आए, तो ये संदेहवाचक वाक्य होगा। कौन सा होगा, संदेहवाचक वाक्य। तो देखिए अब इसका एक उदाहरण हम और ले लेते हैं कि तुम घर कैसे जाओगे। इस वाक्य से प्रश्न का पता चल रहा है, प्रश्न किया जा रहा है इस वाक्य में, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। और जब भी इस तरह के वाक्य होते हैं तो वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। अब हम जानेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, पहले प्रश्न नंबर 7 को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पदबंध छांटकर लिखिए। तो बच्चों अभी हमने पदबंध में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय पदबंध के बारे में समझा था, वो पदबंध के भेद थे। तो यहाँ पर है हमारा कि शिकारी का नुकीला तीर हिरण के पैर में जा लगा, यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो ही क्रिया पदबंध होते हैं, तो ये क्या हुआ इस वाक्य में, जा लगा क्रिया पदबंध है। इसका जो अगला उदाहरण है वो हम पाठ्य पुस्तक से समझ लेते हैं। अगला हमारा उदाहरण है वो है, जरा जरा सी बात पर रूठ जाने की आदत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया पदबंध है, वो है नहीं है। तो बच्चों इसी तरह से हमने आज वाक्य का दोहरान किया, इसके बारे में समझा और जाना, और इसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी हमने किए। तो बच्चों आप इसको एक बार और अध्ययन करें, समझें, जानें। धन्यवाद।